हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AKJ क्लासेस पे। सो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी 12th पास आउट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में 10 बेस्ट कोर्सेज के बारे में विच इज़ आफ्टर 12th फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, जो कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो परस्यू आराम से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अच्छी खासी जॉब पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो पहले कोर्स के साथ। तो दोस्तों, हमारी पहला कोर्स है हमारा वो है बैचलर ऑफ कॉमर्स, जिसे हम बीकॉम के नाम से वो जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो दोस्तों, जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो बीकॉम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये काफ़ी फेमस कोर्स है और आप भी इसके बारे में जानते होंगे। और सो दोस्तों, इसे करने के लिए आपको कम से कम 3 साल चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको 3 ईयर्स लगते हैं इसको करने के लिए। और जो इसमें स्टार्टिंग फ्रेशर्स को सैलरी मिलती है दोस्तों, वो है 2 से लेकर 5 लाख तक मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, पर ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1 महीने करनी है दोस्तों, ये पर ईयर है। सो अब जानते हैं अपने सेकेंड कोर्स के बारे में। सेकेंड जो कोर्स है हमारे दोस्तों, वो है बैचलर्स ऑफ कॉमर्स ऑनर्स। ठीक है फ्रेंड्स, मींस बीकॉम ऑनर्स जैसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, यह कोर्स वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनके पास 12th में कॉमर्स विद मैथ था। जिन स्टूडेंट के पास कॉमर्स विद हिंदी था दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, वो स्टूडेंट्स इस कोर्स को परस्यू नहीं कर सकते। और दोस्तों, जो उसकी ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स की होती है कम से कम दोस्तों होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो उसकी एवरेज स्टार्टिंग सैलरी है वो दोस्तों होती है 2 से लेकर 5 लाख तक। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी आप में जितनी कैपेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी कंपनीज के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने अगले कोर्स के बारे में, जो कि हमारा है बैचलर इन इकोनॉमिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा ये कोर्स भी हमारा 3 साल का होता है दोस्तों, और जो इसकी स्टार्टिंग एवरेज सैलरी होती है वो 3 से 5 लाख होती है पर एनम। अब बात करते हैं अपने नंबर 4th कोर्स की। जो नंबर 4th पे कोर्स आता है हमारा, वो है हमारा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी BBA। और ये काफ़ी फेमस कोर्स है आज के टाइम पे। ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत स्टूडेंट्स से परस्यू भी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे जॉब भी सही मिल जाती है आपको। और जो इसकी दोस्तों ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है, 3 ईयर्स होती है। ये आपका 3 ईयर्स में कम्प्लीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद आप MBA भी करके आप अच्छी खासी जॉब में लग सकते हो। और जिसकी दोस्तों एवरेज सैलरी होती है वो 2 से लेकर 5 लाख तक इसकी भी एवरेज सैलरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले कोर्स के बारे में, वो जो है हमारा वो है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट, यानी BMS। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये कोर्सेज जितने अच्छे कॉलेज से करें दोस्तों, उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो उसकी भी ड्यूरेशन दोस्तों है वो 3 ईयर्स है। और जिसकी एवरेज सैलरी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है फ्रेशर्स के लिए, 2 से लेकर 5 लाख तक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने 6th कोर्स की। 6th नंबर पर जो आता है हमारा कोर्स, वो है हमारा चार्टर अकाउंटेंसी, यानी CA। ये दोस्तों एक प्रोफेशनल कोर्स है और ये काफ़ी टफ कोर्स है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा कोर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसकी ड्यूरेशन दोस्तों होती है वो 5 ईयर्स होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छे हैं वो इस कोर्स को परस्यू जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोर्स काफ़ी अच्छा है और आपको ये फ्यूचर के लिए, आपका जो फ्यूचर है वो आपको सिक्योर कर सकता है ये कोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसकी सैलरी दोस्तों होती है ये भी अच्छी खासी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें सैलरी कोई दोस्तों वैसे लिमिट है नहीं, मतलब जितना अच्छे से आप इसको करेंगे और जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आप इनकम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने अगले प्रोफेशनल कोर्स की, जो कि है दोस्तों CS, कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी भी जो दोस्तों ड्यूरेशन होती है वो होती है 3 ईयर्स, और मोस्टली स्टूडेंट इसे परस्यू करते हैं। और जिसकी एवरेज सैलरी दोस्तों है वो कितनी है, 3 से 5 लाख पर ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने अगले कोर्स की। ठीक है फ्रेंड्स, वो जो कि हमारा है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है और जो इसके दोस्तों ड्यूरेशन होती है वो 3 से 4 ईयर्स होती है। आपको ये कंप्लीट करने में 3 से 4 ईयर्स लग जाते हैं। और जो दोस्तों इसकी सैलरी है वो 3 से 5 लाख रुपीज़ है पर एनम। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने अगले कोर्स की, जो कि हमारा है 9th नंबर पर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। ठीक है फ्रेंड्स, CFP। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसकी दोस्तों ड्यूरेशन होती है वो 2 से 3 ईयर्स होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 2 से लेकर 3 साल तक आपको इस कोर्स को करने में कंप्लीट करने में लग जाते हैं। और जो दोस्तों इसकी सैलरी है वो है हमारी 3 से 4 लाख रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, 3 से 4 लाख। अब दोस्तों बात करते हैं अपने नंबर 10 और आखिरी कोर्स के बारे में, जो कि हमारे दोस्तों हैं बैचलर्स ऑफ लॉ, यानी LLB। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है LLB, यह भी काफ़ी एक अच्छा कोर्स है दोस्तों, और आप इसे परस्यू करते हैं तो आप इस फील्ड में काफ़ी अच्छा कर सकते हो। और इसकी जो दोस्तों ड्यूरेशन होती है वो 3 ईयर्स की है, और जिसमें भी एवरेज सैलरी दोस्तों है वो
दो से लेके 5 लाख तक है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप जितना आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करते हो, आप इस फील्ड में और भी अच्छा अर्न कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। सो दोस्तों, अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल हो तो हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी वीडियो पूरी देखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।